नमस्कार दोस्तों, नीलम आसन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे देखिए दोस्तों कि मेरा फूल कितना सुंदर से खिला हुआ है। अरे मैं ग्राफ्टेड प्लांट है दोस्तों, इसको मैं ग्राफ्टिंग की हूँ और देखिए कि इसमें कितना खूबसूरत इसमें फूल आया हुआ है। अरे बिल्कुल हेल्दी है दोस्तों, जैसे देख रहे हैं कितना हेल्दी है। इसको हेल्दी प्लांट बहुत ज़्यादा है और स्वस्थ भी है दोस्तों। तो अगर ऐसा प्लांट बनाना हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ इसके बारे में बता रही हूँ दोस्तों। जैसे मेरा सभी प्लांट स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, तो इसको मैं कैसे तैयार करती हूँ दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको अपना कलम से लगाती हूँ। लगाने के बाद इसमें मैं ग्रोथ इसका विकास बढ़ाती हूँ। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ से मैं इसको एक ग्राफ्टिंग की हूँ जो इधर रेड कलर का है, जो इस तरह से आया हुआ है। तो गुड़हल एक समर का प्लांट है दोस्तों, समर में इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और ग्रोथ के कारण जो होता है, जो इसमें ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको अभी जैसे ही आपका फरवरी मार्च आता है, इसमें फूल के लिए आपको कुछ काम करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले काम क्या होता है कि आपको सबसे पहले आप अपना पौधा से पिंचिंग या प्रूनिंग दोनों चीज़ शुरू कीजिए। पहला काम है कि आप इसको जैसे ही आप इसको समर आता है तो इसमें पिंच किया कीजिए। पिंच करने के बाद इसको तो हल्का फुल्का इसमें जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मैं हाथ से ही गुड़ाई कर लेती हूँ। इस तरह से इसका सॉइल रहना चाहिए ऐसे। तो इसको एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद होता है दोस्तों, इसलिए आप इस तरह से आप अपना पौधा को आप इस तरह से गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के बाद आप इसमें से मिट्टी पूरा 2-3 इंच गहराई तक आप इसको निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इसको एक दिन तक इस तरह से आप निकाल कर गहराई में जितना जड़ वगैरह होगा इसको आप गुड़ाई कर दीजिए। फिर इसमें क्या करनी है कि 2 दिन तक आप इसको धूप में ऐसे ही छोड़ दीजिए, पानी वगैरह कुछ मत दीजिए, आप बस ऐसे ही इसको रहने दीजिए। और इसको जैसे समर का प्लांट है लेकिन इसको ज़्यादा भी धूप नहीं चाहिए, न तो ये फ्लावरिंग रोक देता है दोस्तों। इसको ज़्यादा फ्लावरिंग भी रुक जाता है ज़्यादा धूप में रहेगा तो जैसे इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरती लगता है, खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। अपना घर में ऐड कीजिए गुड़हल। अगर आप हाइब्रिड चाहते हैं तो हर एक कलर आपका मिलेगा, लेकिन आप देसी चाहते हैं तो आपको 3-4 कलर से ज़्यादा इसमें कलर नहीं मिलेगा। तो मेरे पास तो बहुत सारा कलर है, आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ, दिखाती भी हूँ कि कितना कलर है, हाइब्रिड भी है देसी भी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना प्लांट को करना है। फिर इसको क्या करना है जो मैं बता रही हूँ, जैसे आपको अगर ग्राफ्टिंग करना है तो आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, और इसको कलम भी लगाना है तो अभी कलम भी लगा सकते हैं। तो अभी के मौसम में आप इसको आप जैसे चाहे वैसे आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे गुड़ाई करने के बाद इस मिट्टी को आप धूप में ऐसे छोड़ दीजिए, धूप में अलग करके इसको इस तरह से रूट से निकाल दीजिए 2-3 इंच गहरा, जो भी एक्स्ट्रा जड़ होगा वो कट जाएगी। उसके बाद इस मिट्टी को सुखा दीजिए, नहीं तो नया मिट्टी हो तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मिट्टी में धूप लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि गुड़हल में बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत करता है। अगर कीड़ा वगैरह लग गया, मकड़ी लग गई, जैसे चिपचिपा बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसके चलते इसको मिट्टी को धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका विकास से मिट्टी ढका हुआ है तो नीचे के लेयर आप इसको तोड़ दिया कीजिए। जैसे देखिए कि मैं यहाँ छोड़ दी हूँ और इसको धूप बिल्कुल आसानी से लगता है, इसीलिए बिल्कुल हेल्दी है दोस्तों। फिर इसको क्या करनी है कि आप इसको जैसे आप सूख गया उसके बाद इसमें क्या देनी है उसके बारे में बता रही हूँ कि जैसे आप गुड़ाई किए उस चीज़ को नीम की खली लीजिए बड़ा चम्मच से, और इसको सबसे पहले आप जो भी डाल रहे हैं खाद उसमें नीम खली इसको मिलाकर आप 2-3 मुट्ठी इसमें ऐसे इस तरह से मिट्टी जो गहरा हुआ उसको इसमें आपको डालकर 2-3 मुट्ठी आप इसमें डाल दीजिए गोबर की खाद, और 2 चम्मच इसमें सूखी हुई चाय की पत्ती हो गई, क्योंकि चाय की पत्ती से इतना बड़ा बड़ा साइज़ का फ्लावर आता है। तो अगर इस चीज़ को डालते हैं उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप पोटास डाल दीजिए, जो रेड पोटास आता है उसको डाल दीजिए।
तो नहीं तो आपका कीड़ा लगेगा और न ही इसमें फूल का साइज छोटा आएगा और बहुत सुंदर इसमें फूल लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना गुड़हल को तैयार करिए और इसको 5-6 घंटा की धूप ज़रूर दीजिए, क्योंकि धूप नहीं मिलने के कारण ये बिल्कुल ग्रोथ रोक देती है और ज़्यादा भी धूप ये बर्दाश्त नहीं करती है। और जब भी आप खाद दें उसके बाद भरपूर मात्रा में इसमें पानी दिया कीजिए, क्योंकि पानी देना, खाद देने के बाद पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं अपना गुड़हल को तैयार करती हूँ और इसमें क्या करती हूँ कि शाम के वक्त जब भी पानी देती हूँ तो शाम के देती हूँ। आप कैसे देते हैं दोस्तों, चाहे तो अर्ली मॉर्निंग में दीजिए, नहीं तो आप इसमें शाम के वक्त दीजिए जब सूरज छिप जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन भर की धूप रहेगा और ऊपर से आप पानी डालेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा जलने का चांस रहता है। तो ऐसा नहीं होने दे दोस्तों, आप अपने गुड़हल को खास ख्याल रखिए और एक्सम साल्ट से इसको स्प्रे किया कीजिए। एक्सम साल्ट से स्प्रे करने से आपका ग्रीन रहेगा और बहुत सुंदर इसमें ग्रोथ भी विकास भी रहेगा। जैसे आप एक्सम साल्ट डालते हैं तो इसमें बहुत चीज़ ऐसा पदार्थ मिला हुआ रहता है जो कि आपका पौधा को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अगर एक्सम साल्ट आपके पास नहीं है तो ये NPK 19:19 उसको डालकर आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच और इसको पूरी तरह से स्प्रे कीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी देगा और एवर ग्रीन रहेगा। ऐसे तो एवर ग्रीन ये पौधा है, ये है दोस्तों गुड़हल, एवर ग्रीन प्लांट होता है। गुलाब के बाद अगर आपको इसका जो भी नाम आता है तो गुड़हल का ही आता है, चाहे कोई भी कलर हो दोस्तों। तो मैं तो अपना गुड़हल को इस तरह से तैयार करती हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।